न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कम टू अ स्टॉप इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ब्रेक्स भी इसी लॉ पर काम करते हैं। अपनी कार को समझ लीजिए एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और ब्रेक्स को समझ लीजिए वो एक्सटर्नल फोर्स जो इसे रोकती है। ब्रेक्स के बिना ड्राइव करना इम्पॉसिबल है। 21st सेंचुरी में ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है। कार्बन सेरामिक वेंटिलेटेड स्लॉटेड ऑप्शन अनलिमिटेड है। पर कभी नोटिस किया है कि इंडिया में ज्यादातर गाड़ियों में सामने डिस्क ब्रेक होते हैं और पीछे ड्रम्स। इसके कई रीजन है, चलिए जानते हैं। ब्रेक्स अप्लाई करने पर व्हीकल का वेट जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 70% सामने की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो सोचो इस हिसाब से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कहां चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियों में पीछे ड्रम्स होते हैं। कुछ प्रीमियम कार्स जिनमें कॉस्ट कोई बैरियर नहीं होता उनमें ऑल व्हील डिस्क होते हैं। इसके बावजूद भी सामने वाले डिस्क ब्रेक पीछे वालों से साइज में बड़े होते हैं। सामने डिस्क और पीछे ड्रम्स ज्यादातर आपको 10 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। एक और बात, पार्किंग ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स के साथ ज्यादा बेटर फंक्शन करते हैं। आपकी गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम कमेंट्स में बताएं। ऐसे और ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।